हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो मेरे पास ये डैनफोसिस की VFD है। ये देखिए VLT मिडी ड्राइव। ये एक बार इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं एक बार हम ड्राइव का। तो ये इसके अपसाइड में दिया हुआ है यहाँ पर डिस्क। तो ये देखिए, तो ये हमारी जो VFD है ये FC 280 सीरीज की VFD है। FC 280 ये देखिए। और अगर हम इसकी इसके कैपेसिटी की बात करें तो 1.5 किलोवाट 2 HP की है और 3 फेज 380 से 480 वोल्ट और आउटपुट भी 3 फेज आउटपुट है। ये देखिए आउटपुट में 3.7/3.4 एम्पियर। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स वो है इसको 3 वायर पे कैसे चलाएंगे, 3 वायर प्लस पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कैसे करेंगे और क्या पैरामीटर चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे जिसके टर्मिनल ब्लॉक है इसकी डिटेल आपको दिखा देता हूँ, कैसे कैसे इसके टर्मिनल हैं और कहाँ पे कनेक्शन इसके होंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ से ओपन कर दिया और ये इसके मैंने ऑलरेडी कनेक्शन किए हुए हैं, 3 वायर के कनेक्शन, पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन, ये देखिए पावर के कनेक्शन और ये मोटर के कनेक्शन। तो मैं दिखा भी देता हूँ इसके टर्मिनल डिटेल कैसे कैसे हैं। इसकी ड्राइंग भी बनाई हुई है, तो ये देखिए इसकी ड्राइंग भी बनाई हुई है, ये आपको पूरा समझाऊंगा मैं। पहले टर्मिनल की डिटेल बता देता हूँ आपको, कौन सा टर्मिनल लगता किस किस चीज़ के लिए है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लूप ऑलरेडी लगा हुआ आया कंपनी से, तो 12 नंबर और 13 नंबर 24 वोल्ट प्लस का है। उसके बाद 18 नंबर जो है, ये देखिए 18 नंबर है, 18 नंबर आपका DI है, 19 नंबर भी DI है, 27 नंबर आपका DI DO दोनों हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं पल्स आउटपुट के लिए। और 29 नंबर ये है आपका, ये भी DI है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए नंबर 32 और 33, तो ये भी दोनों DI हैं फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे DI। तो उसके बाद जो ये वाले कनेक्शन हैं, ये देखिए इसमें कनेक्टर ऑलरेडी है नहीं क्योंकि हमने इसको ये है फ्रेंड्स आपके RS-485 कम्युनिकेशन के, तो हमें यूज़ नहीं था इसका, तो इसलिए हमने इसको नहीं मंगाया, तो इन्होंने अवेलेबल नहीं करा इसको। अगर आपको कहीं RS-485 पे कम्युनिकेशन लेना है इस VFD का तो उसके लिए ये कनेक्शन है। ये देखिए ये 61 68 और 69, ये आपके RS-485 कनेक्शन है। एक ग्राउंड हो गया कॉमन और बाकी प्लस और माइनस। उसके अलावा चलिए और ये वाले टर्मिनल देख लेते हैं। ये वाले तो ये है 42, जो 42 नंबर है फ्रेंड्स वो एनालॉग आउटपुट है, और आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद 53 है AI, 54 AI और 50 नंबर जो है आपका प्लस 10 वोल्ट का है पोटेंशियोमीटर के लिए, और 55 नंबर जो आपका ग्राउंड है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है यहाँ पे L1, L2, L3 ये 3 फेज के लिए आपकी मेन सप्लाई है जो कि मैंने ये यहाँ से दे रखी है। उसके बाद UVW ये हमारे मोटर के कनेक्शन, ये मैंने मोटर भी कनेक्ट कर रखी है। तो चलिए इसके कनेक्शन मैंने कैसे कर रखे हैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद पैरामीटर का दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कुछ नोट किया हुआ है यहाँ पर 3 वायर के लिए, जैसे कि VLT 280 के लिए। तो 13 नंबर से 24 वोल्ट निकली है फ्रेंड्स और ये गई है हमारे स्टार्ट पुश बटन के NO एलिमेंट पे, और स्टार्ट पुश बटन के NO एलिमेंट से आउटपुट गई है 18 नंबर पे, ठीक है फ्रेंड्स। यही 24 वोल्ट जो हमारी एलिमेंट पे NO पे गई थी, यही पे हमने लूप लगा के NC एलिमेंट पे ले लिया, और NC एलिमेंट यानी कि स्टॉप पुश बटन इसकी आउटपुट दे दी हमने 27 नंबर पे। चलिए इस तरीके से किए हैं नहीं किए हैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये देखिए ये कनेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था 13 नंबर 24 वोल्ट उठानी है, तो 13 नंबर ये है आपका रेड वायर लगी है यहाँ पे, देखिए ये रेड वायर 24 वोल्ट हमने उठाई यहाँ से, और ये इसके बैक साइड है देखो पुश बटन का। तो ये रेड वायर हमारी, ये देखिए ये NO एलिमेंट है, ये आपको सीधा करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये रेड वायर जो आपके NO एलिमेंट में लगी है एक साइड पे, इसी से मैंने एक लूप लगा रखा है NC एलिमेंट के लिए। दोनों में 24 वोल्ट ऊपर से पहुँच चुकी है और आउटपुट दोनों के अलग अलग हैं। तो एक आउटपुट है आपका ये देखिए NO एलिमेंट का, यानी कि स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर है, ये जैसे कि ड्राइंग में दिखाया था स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट है NO एलिमेंट का वो 18 नंबर में जुड़ा है। तो देखिए ब्लैक वायर जो है मैंने
18 नंबर पर जोड़िए, देखिए। और जो एन सी एलिमेंट का यानी कि स्टॉप पुश बटन का आउटपुट है वो आपका ग्रे कलर का वायर है, ये देखिए ये आउटपुट है, ये ग्रे कलर की, ये हमने जोड़ी है 27 नंबर पर। तो जिस नंबर पर हमने जोड़े हैं इनको एक्टिवेट भी करना है, इसके लिए हम पैरामीटर भी डालेंगे। तो इससे पहले मैं पोटेंशियोमीटर का बताता हूँ। पोटेंशियोमीटर बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है इन टर्मिनलों पे, किन टर्मिनलों पे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी ये ड्राइंग है, तो ये देखिए 10 वोल्ट आपका है पोटेंशियोमीटर के लिए 58 नंबर पे, ग्राउंड है 55 और जो वेरिएबल है आउटपुट है यानी कि वो AI पे जाएगी 53 टर्मिनल पे। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे कि आपको बताया था 55 नंबर पे 10 वोल्ट है, दो इसमें मैंने रेड कलर की वायर लगाई है। जो ग्राउंड है वो आपका 50 नंबर है, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा चेंज हो गया, 50 नंबर जो 10 वोल्ट है ये ब्लैक कलर की वायर, 55 आपका ग्राउंड है ये वाला फ्रेंड, और ये हमने पोर्ट में दे दिए हैं, ये देखिए पोर्ट में। और इस पोर्ट की आउटपुट है ये ब्लू कलर की, वेरिएबल आउटपुट जो है ये ब्लू कलर का है, ये हमने कनेक्ट करा है 53 पे एनालॉग इनपुट। तो इस तरीके से आपके कनेक्शन कंप्लीट हो गए, या आपने देख चुके हैं ये थ्री फेस ये मोटर। तो अब हम पैरामीटर की बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले तो ऑन करते हैं VFD को, पावर अप करते हैं VFD के लिए। तो यहाँ से मैं थ्री फेस ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिए, देखिए पावर अप हो चुकी है, बूटिंग बहुत जल्दी होती है, देखिए तुरंत रेडी हो चुकी है ड्राइव। और अब मेन्यू तो प्रेस करेंगे इसका, ये आपको की के बारे में बताता हूँ, मेन्यू की है बैक की, अप की, डाउन की, ओके, लेफ्ट, हैंड ऑन, ऑफ, रीसेट और ऑटो ऑन। ऑटो ऑन पे करेंगे तभी हमारी ड्राइव हमारे टर्मिनल से चलेगी, ये ऑटो में चलेगी, किसी कमांड से चलेगी, ऑटो ऑन करेंगे। ऑफ कर देंगे तो किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगी, ना मैनुअल चलेगी ना ऑटो में चलेगी। हैंड ऑन अगर प्रेस करता हूँ तो ये अपने आप मैनुअली स्पीड जितनी भी इसमें डली होगी ऑलरेडी ये चल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं ऑटो ऑन ही रखता हूँ क्योंकि हम इसका टर्मिनल से चला रहे हैं। तो अभी इसके पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। तो मेन्यू प्रेस करेंगे, एक बार फ्रंट बार प्रेस किया, दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो ये सेटअप वन आ गया। सेटअप वन के तो देख लेते हैं हमें कौन से पैरामीटर चेक करने हैं। P5 का 10 में 9 सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो P5 यानी कि ये 5 नंबर ग्रुप में जाना है हमें। तो ये डाउन की से हैं इसको, ये देखिए 1 2 ऐसे 5 नंबर 5 बार प्रेस करूँगा, ये देखिए 5, और इसको ओके करूँगा। ओके किया, 5 ग्रुप के पैरामीटर नंबर आपको बताया था मैंने, जैसे कि 10 नंबर पैरामीटर में 9 सेलेक्ट करना है। तो जब मैंने 5 ग्रुप को ओके कर दिया तो ये देखिए 5 ग्रुप के 00 पैरामीटर में है। तो अभी हमें जाना है 10 नंबर में, तो डाउन की प्रेस करेंगे, ये देखिए 1, ये 10 आ गया, 5 ग्रुप का 10 पैरामीटर। इसमें 6 सेलेक्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए 6, और हमें जो करना है 9 सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको बताया था 9 सेलेक्ट करना है। तो इस पर ओके करेंगे, जब ये ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब एडिट मोड में आ जाएगा। तो मैंने ओके किया, देखिए ब्लिंक करने लगा, यानी कि एडिट मोड में आ गया। अब की से इसको बढ़ाएंगे, 9 करेंगे, ये 9 कर दिया मैंने, इससे क्या है लैच स्टार्ट हमने बिन एक्टिव कर दिया 27 नंबर। तो फ्रेंड 9 नंबर देखिए सेलेक्ट कर दिया, ओके करेंगे तो ब्लिंक करना बंद कर देगा, यानी कि सेव हो चुका है। उसके बाद अगला देखेंगे P5 का 12 नंबर पे 6 सेट करना है। तो एक बार बैक करेंगे इसको, बैक किया, 5 नंबर ग्रुप आ गया, ओके करेंगे, ओके हो गया, 0 नंबर ग्रुप दिखा रहा है। अब हमें जाना है 12 नंबर पे, 11 और 12, ये देखिए 12 नंबर ग्रुप सेलेक्ट हो गया। इसमें 5 सेलेक्ट है तो हमें करना है 6 सेलेक्ट, तो इसमें ऑलरेडी 5 सेलेक्ट है, इसको ओके करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा, यानी कि एडिट मोड में चले जाएगा, ये देखिए ब्लिंक करने लगा, एडिट मोड हो गया। तो इसको 6 सेलेक्ट करेंगे, अब की से ये 6 सेलेक्ट हो गया, ओके कर देंगे तो ये सेव हो गया हमारा। तो दोनों पैरामीटर हमारे एंट्री हो चुके हैं, तो हम इसको बैक से फ्रंट डिस्प्ले पे आ जाएंगे, ये देखिए बैक से हम आपको बाहर आ गए, बिल्कुल 0 हर्ट्ज़ आ रही है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये है मेरे पास पुश बटन, स्टार्ट और स्टॉप, तो चलिए स्टार्ट करके देखता हूँ मैं। ये मैंने स्टार्ट किया, देखिए ड्राइव जो है हमारी मोटर घूमने लगी, ड्राइव हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 29 हर्ट्ज़ पे चल रही है, देखिए ड्राइव हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो पोर्ट देखते हैं, पोर्ट एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है।
तो चलिए पोर्ट से स्पीड वेरी करा के देखते हैं। अभी 29 है तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखिए तो देखिए 30, 31, 32, ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए 40 हर्ट्ज पे हमारी। तो इस तरीके से मैं आपको कम करके दिखाता हूँ, आपको ये कम कर रहा हूँ स्पीड को, ये देखिए कम हो रही है, ये देखिए, ये देखिए 20 हर्ट्ज पे आ चुकी है, ये देखिए और कम करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कम हो चुके हैं, देखो ड्राइव की स्पीड कम हो चुकी है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा 3-वायर ऑपरेशन, हमारी डैनफोर्स की VFD VLT मिनी ड्राइव। और इसका अगर सीरियल की बात करें तो VLT 280 सीरीज़ की VFD है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।